बहुत मुश्किल ट्रैक है ये, बहुत मुश्किल ट्रैक है। ऊपर से नीचे उतरने के लिए या नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए आपको ख़ास किस्म के मेजर लेना होते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही मुश्किल जगह है। दोस्त मेरे उतर चुके हैं और हमारे जिन दोस्त के फॉर्म में रॉड्स डले हुए हैं वो बहुत मुश्किल से नीचे उतर रहे हैं। तो मेरे भाई जो भी आए, चाहे उनके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, बहुत एहतियात करें। ये बहुत डेंजरस एरिया है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करें कि बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए प्लीज़, ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलते रहें आपको। थैंक यू। आ गया, आ गया। ऊपर से फेंकी थी मैंने, ले जी ले लें आप। नहीं नहीं, पानी था उसमें ना, थोड़ा सा पानी रखा था भाई पीने वाला। पी ले, पी ले। कहाँ से आए आप लोग? शालकोट से। माशाल्लाह बहुत लोग आते हैं यार। बाइक्स पे आए हैं? कहाँ छोड़ी हैं बाइक्स? अच्छा, वो नहीं, उससे भी नीचे, बल्कि वो पहला स्टाप। हाँ, हमने भी वहीं छोड़ी, हम लोग भी बाइक्स पे हैं इस्लामाबाद से। नहीं, एक ही शॉप है, बिस्किट्स वगैरह चाय मिल जाएगी बस आपको। हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हैं वकास भाई और इनकी एक लेग में प्लेट्स डली हुई और इन लोगों ने, आप देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है और कितनी डेडिकेशन के साथ और कितने पैशन के साथ इन्होंने ये सफ़र तय किया हमारे साथ। बहुत ही बुलंद हिम्मत वाले हैं ये, और मेरी ख्वाहिश थी कि व्यूवर्स को पता चले कि ये कितने हिम्मत वाले और कितने बहादुर हैं, कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचा। लेकिन ये ना कि शुरू में ज़रा उस ज़ख़म को लेके थोड़ा पोजेसिव ना हो जाए। जब वहाँ नीचे रुकेंगे ना, फिर एक शॉर्ट सा क्लिप बना लूँगा इसका, प्लेट्स का, ताकि वो एक ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। लाले मतलब डिग्रेड या वो करना नहीं है, लेकिन ये है ना कि एक लोगों को इनकरेजमेंट मिले यार, कि जब ये बंदा जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। मोटरसाइकिल चलाना, इस तरह हाइकिंग पे आना यार, आउटस्टैंडिंग। हाँ, डेढ़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम वापसी कर रहे हैं। अपर कटोरा जो है, जो ऊपर है, वहाँ से हम, बड़ी बड़ा कटोरा जो है, वहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और इस ट्रैक के साथ
वहाँ से तकरीबन 1.5 आवर के फासले पे एक और छोटी सी झील है जो जाते हुए रास्ते में आती है जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो मैं उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि यही झील है, बेसिकली ये झील नहीं है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बेसिकली एक छोटी झील है। इस झील के बाद 1.5 घंटे की ट्रैकिंग है, आगे बड़े बड़े पत्थर आते हैं, उन पत्थरों से बच के फिर आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है। वहाँ जो पत्थर हैं वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद थोड़ा सा ईजी ट्रैक है एंड देन आगे झील है। और झील देखने के बाद आपकी सारी थकावट उतर जाती है। जब आप यहाँ का विज़िट करेंगे इंशाल्लाह आप लोग खुश होंगे। काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। कोई भी किसी किस्म की बात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं आप, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन जो मेरी वीडियो है वो नेक्स्ट जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, अल्लाह हाफिज़। ओके फ्रेंड्स, ये है छोटा कटोरा लेक। ये छोटे से एरिया में है लेक, और ख़ूबसूरत ये भी है, लेकिन अक्सर लोग यही मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि यही मेन वाली है। ये मेन बिल्कुल नहीं है, यहाँ से काफ़ी दूर जाके जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल वहाँ पे मेरी उंगली को अगर आप देख सकते हैं, इस एरिया में करके ये लेक आती है। और इस वहाँ पे जाने के लिए कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटे की यहाँ से ट्रैकिंग चाहिए। तो बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बहुत केयरफुल हो गए। और पानी की बॉटल और खाने के लिए कुछ ना कुछ साथ ज़रूर रख लीजिएगा, वहाँ पे सिर्फ चाय और बिस्किट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, और पानी अगर रख लें तो बेस्ट हो जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोबारा खुश आमदीद। हम इस वक्त एक ऊँचे ट्रैक से गुजर रहे हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है, बिल्कुल छोटी लेक है, इसके साथ साथ चलता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत मुश्किल है, आपको ध्यान से उतरना पड़ेगा भाईजान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं एक खुले मैदान में जहाँ से स्टार्ट लिया था मैंने, और इसके बाद ट्रैक निस्बतन आसान है वापस जहाज़ बांडा के लिए। और बहुत ही खूबसूरत सी वादी में गिरा हुआ है ये, दोनों तरफ पहाड़ हैं इसके और दरमियान में से रास्ता गुजर रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ आपको साइड व्यूज़ में। और एक हाई लेवल होता है कंफर्टेबिलिटी का कि जब आप ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच में से पत्थरों के बीच में से गुजरते हुए अचानक से खुले मैदान में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि जो रेस्ट टाइम है, तो थोड़ा सा रेस्ट लेने से पहले मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना लूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत छोटा कटोरा जो स्टार्टिंग में आती है उसके साथ ही है, बिल्कुल मेडोसा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड व्यूज़ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत वादी है ये, वादी की तरह पहाड़ों ने हर तरफ से घेर रखा है इसको, दो तरफ बड़े पहाड़ हैं और दो तरफ में दूर दूर तक पहाड़ हैं, तो मतलब चारों तरफ से ये बिल्कुल वादी की तरह है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, यू कांट इमेजन के ये कितनी खूबसूरत जगह है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों इस वक्त हम सुबह का टाइम है और जहाज़ बांडा में है, रात हमने यहीं पे स्टे किया है और यहाँ से अब हम निकलेंगे इंशाल्लाह टके टाप की तरफ। यहाँ से डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब वॉक करके जाना पड़ेगा, कोई गाड़ी वगैरह अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे जब्बा की तरफ, वहाँ से अगर हमें कोई जीप वगैरह मिल जाती है तो हम शायद जीप में चले जाएँ, और अगर नहीं तो हो सकता है पैदल ही चलें, तो वो भी तकरीबन इतनी डिस्टेंस है। उसके बाद वहाँ से हम बाइक्स लेंगे जहाँ पे हमने खड़ी की हैं जब्बा में, और हमारे बैग्स वगैरह भी वहीं पे हैं। उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे कुमराट की तरफ, तो कुमराट में हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, देखेंगे जंगल वगैरह, और फिर हम निकलेंगे आगे मालम जब्बा और इस साइड पर।
ठीक है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।